सतगुरु नौवें पिता आप जिहड़ा विच जिहड़ा समर्पित हो करके जुट करके विचार कराओ नौवें पिता के जीवन में जो असी वाचते हैं। हुण देखो जी जन्म जिहड़ा है इन्हां दा गुरु के महल अमृतसर की धरती पर गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी के घर माता नानकी जी की कुख के विचों सन 1621 ईस्वी के विच हुंदा है। 1 अप्रैल जिहड़ा इतिहास विच आउंदा है 1 अप्रैल 1621 ईस्वी के जदों भी इन्हां दी याद विच जुटदे आ इतिहासकार कहिंदे ने कि जदों देखो नौवें पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जन्म हुंदा है ते गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी इन्हां दे पिता जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर जिहड़ी आसा दी वार दा कीर्तन सरवण पिया करदे ने ते इधरों देखो जदों इन्हां दा जन्म होया अमृत वेले पातशाह जी का जन्म माता नानकी जी की कुख के विचों होया गर्भ के विचों इन्हां जदों जन्म लिया ते इधरों सिख जिहड़ा है ना मरजीवड़ा सिख अरदासी है गुरु घर का दौड़ के जिहड़ा है सचखंड श्री दरबार साहब की पावन धरती ते गया पातशाह जी अंदर आशा की वार की कीर्तन की समाप्ति हुई अरदास हुई ते आन के जड़ा एक खुशी की विचार दसी कहन लगे छेवें पिता धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जीओ आप जी के घर के सब तो छोटे जड़े इतों तक छेवें बच्चे ने जड़ा जन्म लिया है सतगुरु जीओ आप जी के घर के अकाल पुरख ने कृपा की छोटा जिहा बालक जड़ा है उन्हें जन्म जड़ा धारण किया है माता नानक जी की कुख के पातशाह जी बड़े खुश होए। हुण देखो जी नाल जो हरिमंदर साहब तो चल के आए ने उन्होंने नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के नाल अनन सेवक जिहड़े कहने असी कि इन्ना समां लंबेरा रह के गुरु घर विच सेवा की महान योग बाबा बुढ़ा साहब जी ते उन्हां दे नाल बाबा विधि चंद जी ने ते नाल उन्हां दे भाई गुरदास जी ने ते चल करके आए घर दे विच कहन लगे जिथे गुरु के महल विखे इन्हां दा जन्म होया गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपनी गोद विच चुकिया लिया ते घुट के छाती दे नाल लाया प्रेम दे भिजे अकाल पुरख दा शुकराना कीता ते इह बचन कहन लगे आखन लगे कि इह इत्थों तक लोकां दा रखवाला होवेगा लोकां दे तन नूं ढकेगा ऐसियां विचारां सतगुरु जी कर रहे ने ते इत्थों तक इतिहास दे विच इह वी जिक्र आउंदा है कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपना जिहड़ा मुख सी ना थोड़ा जिहा नवाया है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के सरूप नूं चेहरे नूं तक करके लागे बाबा विधि चंद जी खड़े कहन लगे इन्हां ने सवाल अपने अंदर पैदा किया छेवें पिता जीओ आखन लगे छेवें पिता दसो गुरु के सिखो आखन लगे मैं निमाणा जिहा तेरे घर का सिख हाँ मेरे ते कृपा कर रहमत कर मेरे मन च एक जिहड़ा शंका पैदा हो रहा ते कहन लगे पातशाह छेवें पिता गुरु घर दे सिखो जो बचन आया अपनी जीबा तो करो तो सही आखन लगे मेरे छेवें पिता आप जी का बच्चा घर विच आया है। हुण देखो आप जी दे पहले जिहड़े 4 पुत्र भी ने एक माता है हुण देखो पर आप जी ने उन्हां नूं सीस नहीं नवाया इन्हां नूं क्यों नवा रहे जी ते कहन लगे ये सीस असीं तां नवाया आने वाले समय के सारे गरीबों का रखवाला बनेगा।